हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीर्तिज ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और सर्दियों को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अब सर्दियाँ चल रही हैं तो चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, डल हो जाता है, बहुत कुछ कर चुके हों लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। तो तैयार करो मेरे साथ आज ये मैजिकल फेस पैक, जिससे आप इन सर्दियों में भी आपके फेस पर बहुत अच्छा ग्लो अचीव कर पाएंगे, आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचा पाएंगे और आपकी स्किन को हेल्दी बनाकर रख पाएंगे, जिसके यूज से आप आपके स्किन पर सर्दियों में भी बहुत अच्छा ग्लो अचीव कर पाएंगे। आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी, ड्राइनेस से दूर रहेगी और जो सर्दियों से प्रॉब्लम होती हैं उन सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। इस फेस पैक में एंटी एजिंग गुण मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन टाइट और फर्म रहेगी। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लटक रही हैं, आपके फेस पर सैगिनेस आया है एज की वजह से या एज के पहले आपकी स्किन पर सैगिनेस आया है। कई बार क्या होता है ना, सर्दियों में भी आपकी स्किन ड्राई होती है, ड्राई होकर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स दिखने लगते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हमारी स्किन कितनी मैच्योर हो चुकी है। लेकिन इस फेस पैक में आपके इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और जो भी समस्याएँ हम सर्दियों में फेस करते हैं, जैसे कि स्किन का डार्क होना, ड्राइनेस, और इनसे बचने के लिए हम कई उपाय भी करते हैं। कई बार हम ब्लीच का यूज़ करते हैं जिससे हमारे स्किन का डार्कनेस हट जाए, लेकिन कई उपाय करने के बाद भी हमारे स्किन जो कि त्यों रहती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो क्या होता है ना, चीज़ें सारी इफ़ेक्ट करती हैं लेकिन हमें उनका तरीका पता नहीं होता है, और हमें किस टाइम पे, किस स्किन पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है ये पता नहीं होता है। बस हमारे सामने समस्या होती है और हम सोचते हैं कि हाँ, हमारी स्किन डार्क हो चुकी है, स्किन पे डलनेस आ गया है, तो चलो हम ब्लीच कर लेते हैं। लेकिन ब्लीच हर स्किन टाइप का सोल्यूशन नहीं होता है, ब्लीच भी स्किन टाइप देख कर किया जाता है। ये नहीं है कि हर स्किन पे कोई भी ब्लीच उठा लिया, लगा लिया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बिल्कुल नहीं। आपको उसके लिए पहले आपके स्किन का पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपके स्किन पर यूज कर सकते हैं या कोई भी क्रीम लोशन आप आपके स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा और आप कुछ भी चीज उठाकर अपने स्किन पर यूज करते रहोगे और फिर आप बोलोगे कि अरे मैं इतना कुछ कर रही हूँ बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ उस प्रोडक्ट की गलती नहीं होती है, हमारे पास नॉलेज नहीं होता है, उसकी वजह से हम प्रॉपर प्रोडक्ट हमारे स्किन पर यूज नहीं कर पाते हैं। उस वजह से हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं और हम निराश हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आज आपकी निराशा का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। आज हम जो फेस पैक हमारे फेस पर यूज करने वाले हैं, वो फेस पैक हर स्किन टाइप के लिए, हर एज ग्रुप के लिए हर कोई यूज कर सकता है, जिसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि इसी एज ग्रुप के यूज इसे यूज कर सकते हैं या फिर इसी स्किन टाइप के लोग इसे यूज करते हैं। जी नहीं, ये फेस पैक हर स्किन टाइप के लिए हैं और हर एज ग्रुप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। ये फेस पैक आपके स्किन को टाइट बनाएगा, आपके स्किन को ग्लास जैसा ग्लो देगा, ग्लास जैसी चमक देगा और आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से डीपली हाइड्रेट करेगा, और ये सर्दियाँ आपके स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। आपकी स्किन इतनी अच्छी दिखेगी और आपकी स्किन आपको मुलायम फील होगी। तो चलिए देखते हैं हमें ये फेस पैक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमारे आज के फेस पैक का की इंग्रेडिएंट है कड़, यानी कि दही। अब दही के हमारे स्किन के लिए क्या फ़ायदे हैं ये सभी को पता है। दही हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, दही हमारे स्किन को फेयर बनाता है, दही से हमारे स्किन से डलनेस, ड्राइनेस दूर होता है। अगर हम डेली रूटीन में हमारे स्किन के लिए दही का यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी, हमारे स्किन पर हमेशा नमी बनी रहेगी और सॉफ्टनेस बना रहेगा। तो दही तो हमारे स्किन के लिए ये सब मैजिक करता है, लेकिन साथ पे हम इस फेस पैक में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाने वाले हैं जिससे इस फेस पैक का रिजल्ट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। तो हमारे फेस पैक में हम जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मिलाने वाले हैं वो हैं ये मैजिकल पाउडर, यानी कि फ्लेक्सीड और फेनुग्रीक सीड का पाउडर। फ्लेक्सीड मतलब अलसी के बीज, बहुत लोग जानते हैं, और फेनुग्रीक सीड मतलब मेथी दाना। हर किचन में, हर घर में अवेलेबल हैं,
आज के फेस पैक में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की चीज़ें हमारे किचन में मौजूद हैं। आपको कहीं बाहर कुछ ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है और इन्हीं चीज़ों से आपकी स्किन बहुत अच्छी हेल्दी बनाकर आप रख सकते हैं। तो ये जो फ्लैक्स सीड और फेनुग्रीक सीड हैं, इसका पाउडर मैंने पहले ही बनाकर रखा है, आप भी आपके लिए बनाकर रख सकते हैं। एक बार बनाकर रख दीजिए और आप महीना भर इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल है। आपको 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स लेने हैं और 2 ही चम्मच फेनुग्रीक सीड लेने हैं। इनको एक ग्राइंडिंग जार में डालना है और अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, जिससे आपको इसकी फाइन पाउडर बनके मिलेगी। और ये पाउडर आप किसी एक एयरटाइट ग्लास कंटेनर में डालकर इसे आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इसको आप आपके डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। आप 1 से 2 यूज़ में ही देखेंगे आपका फेस बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है, आपके फेस से डलनेस ड्राइनेस दूर हो चुकी है और आपकी स्किन बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये हमारे आज के फेस पैक का मैजिकल पाउडर है। अब हमारा 4th इंग्रेडिएंट जो है आज के फेस पैक का, वो एकदम ही सिंपल है। हर घर में, हर किचन में बहुत ही आसानी से ये हमें अवेलेबल हो जाता है। तो क्या है ये इंग्रेडिएंट? ये इंग्रेडिएंट है हमारा आटा, जिसकी हम रोज़ रोटी बनाकर खाते हैं। तो रोटी तो हमें रोज़ चाहिए होती है ना, हर किचन में आटा अवेलेबल होता है। कितना आसान है, कहीं कुछ ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें इतनी इजीली हमारे किचन में मिल रही हैं और वो भी हमारे स्किन पर बोटॉक्स का काम करेगी। आज का जो फेस पैक है बोटॉक्स की तरह काम करेगा हमारे स्किन पर, इतना इफ़ेक्टिव आज का फेस पैक है। तो हमें ये आटा जो है ये भी हमारे आज के फेस पैक में यूज़ करना है। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो है हमारा, वो है विटामिन ई कैप्सूल। तो ये विटामिन ई कैप्सूल जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आपने कई बार सुना होगा, मैं ही आपको कई बार बताती हूँ, जितनी भी रेमिडीज़ होती हैं मैक्सिमम टाइम पे मैं उसमें विटामिन ई यूज़ करती हूँ, चाहे बालों की रेमेडी हो या फिर स्किन की रेमेडी हो। विटामिन ई हमारे स्किन को पूरा पोषण देता है। हमारे स्किन के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ई से हमारे स्किन को शाइन मिलती है, हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ई बहुत काम करता है। तो ये सिंपल से इंग्रेडिएंट है जो हमारे आज के फेस पैक में यूज होने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं हम हमारा आज का फेस पैक, जिसके लिए आपने लेना है 1 बाउल, उसमें आपने लेना है 1 चम्मच दही, उसमें आपने मिलाना है 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड और फ्लैक्स सीड की पाउडर। फिर हम मिलाएंगे आटा, उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल। और सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, रेडी है हमारा आज का मैजिकल फेस मास्क। आपने क्या करना है, ये फेस पैक अप्लाई करने से पहले अपना फेस वॉश कर लीजिए। ये फेस पैक अप्लाई करने से पहले ही नहीं, वैसे जनरली आप जब भी कोई फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, तो आप उससे पहले अपना फेस हमेशा वॉश कर लिया कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके फेस पर जो भी पोलुटेंट हैं, डस्ट डर्ट हैं, वो सब रिमूव हो जाएगी और आपका फेस आपके पैक के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा, जिससे आपको उस पैक के या उस प्रोडक्ट के रिजल्ट जो हैं बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। तो मैं ऑलरेडी फेस अपना वॉश करके बैठी हूँ। हाँ, लिपस्टिक लगा हुआ है, इससे ये मत सोचना कि मैंने बहुत मेकअप लगा के रखा है या कुछ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लिपस्टिक लगा रखा है, काजल लगा रखा है, बाकी मेरा स्किन एकदम ड्राई है, वॉश करके बैठी हूँ, कुछ भी फेस पर लगाया हुआ नहीं है। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं हमारा आज का फेस पैक। इस तरह से इस पैक को आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए, फेस का कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए।
ये पैक आपको आपके नेक पर भी अप्लाई करना है। मैं अभी फिलहाल नेक पर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दिखाना है इसलिए सिर्फ फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, बट आप आपके नेक और फेस दोनों पर इस फेस पैक को अप्लाई कीजिए, जिससे क्या होगा कि नेक पर भी कई बार रिंकल्स आती है, ड्राई स्किन होती है, डेड सेल्स होते हैं, वो रिमूव होने में हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से ये फेस पैक आपको आपके पूरे फेस पर अप्लाई करना है और 15 मिनट तक वेट करना है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं 15 मिनट के बाद, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल इस फेस पैक का रिजल्ट क्या होता है। तो गाइस अभी 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम ये फेस मास्क को रिमूव करेंगे। वाओ, देखिए आप कितनी स्किन ग्लो कर रही है। इसी तरह से आप पूरा मास्क रिमूव कर लीजिए। आप चाहे तो आप अपना फेस वॉश भी कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर से आप अपना फेस वॉश कर लीजिए, बट मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए मैं यहीं पर स्पॉन्ज से क्लीन कर लूंगी। आप देख सकते हैं स्किन कितनी शाइन कर रही है, कितनी ग्लो कर रही है। अभी जस्ट सिंगल यूज किया है, अगर आप इस मास्क को डेली यूज में रखेंगे तो सोचिए आपकी स्किन पर क्या इसका रिजल्ट आएगा। गाइज आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है। तो आप भी इस तरह से इस फेस पैक का यूज करके आपकी स्किन के लिए वो सारे बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये फेस पैक किसने कब यूज करना है। तो ये फेस पैक सभी एज ग्रुप के लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सभी यूज कर सकते हैं और हर स्किन टाइप के ऊपर ये फेस पैक यूज किया जा सकता है। इस फेस पैक से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपके स्किन के लिए फायदा ही फायदा होगा। तो अब ये फेस पैक किसने कब यूज करना है। तो अगर बच्चे हैं, टीनेज हैं, तो उनको ये फेस पैक महीने में एक बार यूज करना है, और अगर यंग एज में है कोई तो ये फेस पैक महीने में दो बार यूज किया जा सकता है। कोई अगर मिडल एज में है तो ये फेस पैक वंस इन अ वीक यूज किया जा सकता है, और अगर 40 अबव हैं तो अल्टरनेट डेज इस फेस पैक को आप यूज कर सकते हैं और इसके सारे बेनिफिट्स आप अपने स्किन के लिए अचीव कर सकते हैं। ये फेस पैक आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो लाएगा, आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा और आपकी स्किन हमेशा जवान दिखेगी। तो आप भी यूज कीजिए इस फेस पैक को, और आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।